हाय गाइस, मेरा नाम फैज़ आलम और आप देख रहे हैं साइट लर्निंग सेंटर। गाइस, मैं एक बार फिर आ गया हूँ आप लोग के सामने साइट का प्रैक्टिकल वीडियो जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। गाइस, आज का मेरा टॉपिक है कि कंस्ट्रक्शन का जो काम बहुत स्लो है वो कब फास्ट में होगा, कब पहले जैसा हो जाएगा। जो आज से 4-5 साल पहले था तब कब उसके जैसा हो जाएगा। गाइज, ये बहुत सारे लोग सवाल भी मुझसे पूछे हैं तो मैं सोचा कि सभी को इन्फॉर्म कर दूँ ये चीज़। देखो, ये जो गवर्नमेंट है उसने जो एक्शन लिया है वो एक्शन तो सही है, बहुत बेस्ट है, क्योंकि आप जाके देखोगे कि कंज्यूमर कोर्ट में कितने सारे जो फ्लैट बुक किए हैं उनका क्या चल रहा है। कितने लोग तो आत्महत्या कर लिए, उनको फ्लैट टाइम पे नहीं मिल सका जिसकी वजह से वो आत्महत्या कर लिए। क्योंकि बिल्डर जो कमिट करता है वो आधी अधूरी जो रिपोर्ट्स रहती है लेता है गवर्नमेंट से और उसको काम चालू कर देता है। जब गवर्नमेंट चेक करने को आती है तो वो सारे रिक्वायरमेंट वहाँ पे नहीं रहते हैं जिसकी वजह से काम बंद हो जाता है, सेफ्टी नहीं रहती है, कंस्ट्रक्शन कंपनी में लेबर गिर के मर जाते हैं तो उसके लिए भी काम बंद हो जाता है। जब काम बंद होता है तो उसका इफ़ेक्ट किसके ऊपर आता है, जो बेचारा बुक किया है अपना ज़मीन बेचकर, अपने ऊपर ईएमआई कराया हुआ है, उसकी नौकरी का सवाल, यानी कि सब कुछ रहता है। तो जब काम बंद हो जाता है तो उसका असर आता है बेचारा उसके ऊपर, कितने लोग आत्महत्या कर लिए। तो इसी को लेके गवर्नमेंट ने जो रूल बनाया है रेरा का, उस रेरा में आपका बहुत बेस्ट है, 10% ही पहले जमा करनी है, पूरा जमा नहीं करना है। आपको पैसा पूरा हाथ में मिलने के बाद आपका ईएमआई चालू होगा, चाबी मिलने के बाद आपको पूरा पैसा दिया जाएगा। नहीं तो पहले पैसा ले लेते थे पूरा और काम देते नहीं थे तो बहुत दिक्कत होती थी। तो अभी ये थोड़ा सा इसके लिए वो कंस्ट्रक्शन कंपनी में जो उतार चढ़ाव आया है, उनके पास पैसे नहीं है बिल्डर के पास और वो कैश फ्लो नहीं कर पा रहे हैं, पैसा रोटेट नहीं हो पा रहा है, इसके लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो बिल्डर का काम बंद कर दी है। तो अभी यही रीज़न है, लेकिन देखो ये कुछ दिन में जल्दी ही ठीक हो जाएगा और ये बहुत तेज़ से काम चल रहा है। और जैसे ही देखो गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो तब पर भी ठीक हो जाएगा, अगर नहीं हो चेंज होगी तब पर भी, दोनों मतलब इसका है कि ये कुछ दिन में जल्दी ही ठीक हो जाएगा। मान के चलो कि इसका रिजल्ट जो आएगा वो बस 1-6 महीने से साल भर के अंदर ही सारे काम जो बंद है, जो बंद का मतलब ये है कि जो जेन्युइन है, जिसके जिस बिल्डर के पास पैसे नहीं है वो पैसे कैश फ्लो हो जाएंगे, रोटेट हो जाएंगे मार्केट में, उसका काम चालू हो जाएगा। मैंने मैजिक ब्रिक पे देखा, सुलेखा पे देखा, जिसमें 50 से 55 यानी कि 50,000 से लेके 55,000 तक फ्लैट्स जो सिर्फ मुंबई में अवेलेबल है, सिर्फ मुंबई की बात कर रहा हूँ मैं, चेन्नई में भी सेम 50,000 है, दिल्ली में भी सेम उतना ही है, लगभग 40,000 के आसपास इतने फ्लैट्स जो है रेडी है, लेकिन कोई खरीद नहीं रहा है, कोई क्लाइंट्स खरीद नहीं रहा है, पैसे रोटेट नहीं हो पा रहे। तो मार्केट में जब फ्लैट नहीं बुक होगा तो बिल्डर के पास पैसे कहाँ से आएंगे, उसके पास पैसे नहीं आएगा तो कंस्ट्रक्शन कंपनी को कैसे पैसे देगा, जब उसके पास पैसे नहीं आएगा तो हमको जॉब पर कैसे रखेगा वो। देखो ये कहाँ से कहाँ बात आ रही है, तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा गाइस, बस थोड़ा दिन और है, बस मेरे हिसाब से तो 6 महीने से लेकर साल भर के अंदर ही ये पूरा काम जो है पैसे की वजह से जो बंद है वो चालू हो जाएगा। घबराइए मत, आप बने रहिए पेशेंस लगा के, और इंक्रीमेंट भी होगा, एकदम बेस्ट बन जाएगी। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, देखो धीरे धीरे सबका 6 महीने के अंदर ही, मेरे को लगता है 6 महीने से लेकर 1 साल तक सबका काम ठीक हो जाएगा और सब बेस्ट हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, कुछ आपको डाउट्स रहेगा तो कमेंट में लिखना, आपका इसका मैं उत्तर दे दूंगा। और अभी तक सब्सक्राइब और लाइक का बटन नहीं दबाया तो दबा दीजिए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।